हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मजा लेते रहिए। कहीं शो आते हैं, कहीं आकर चले जाते हैं, लेकिन जिन पे मेकर्स और चैनल बहुत पैसा लगाते हैं उनका रिच से पता चल जाता है। अगर रिच आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू सभी शो के अकॉर्डिंग, और आपकी टीआरपी वो कमाल नहीं कर पा रही है, तो यकीन है मेकर्स की जेब खाली हो रही है। चैनल्स गुस्से में हैं कि इतना रिच दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तब भी आपके शो पर जो हैं फैंस टिक नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है कि आपका रिच इतना अच्छा नहीं है और टीआरपी अच्छी होती है, तो रिक्वेस्ट की जाती है मेकर से और जो है चैनल से कि उन्हें प्रमोशन करना चाहिए। तो चलिए पहले आपको वो टॉप 10 शो बता देते हैं जिनका रिच सबसे ज़्यादा है। ऐसे में आप ये कहेंगे, कई बार होता है कि रिच आपका बहुत अच्छा है लेकिन शो टॉप 10 में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 की पोजीशन पे है आपका खतरों के खिलाड़ी, जिसका रिच है 4.7 और टीआरपी डब्बा गोल्ड, मोस्टली 2.1 2.2 तक इसकी टीआरपी होनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा ही होनी चाहिए जिस हिसाब से इसका रिच है। इसीलिए ये रिच के अकॉर्डिंग जो है टीआरपी नहीं निकाल पाए। नंबर 2 की पोजीशन पे है आपका अनुपमा, 4.0 के साथ इसका रिच है। इसकी टीआरपी मैक्सिमम 2.5 2.7 के बीच में होनी चाहिए जिस हिसाब से इसका रिच है। नंबर 3 की पोजीशन पे है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है, 3.7 के साथ। ऐसे में इसकी टीआरपी जो है 2.3 अच्छा दे रहा है अकॉर्डिंग टू रिच के। ऐसे में जो है रिच के अकॉर्डिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है, टीआरपी सही दे रहा है और नंबर 3 की पोजीशन पे है। बात करते हैं आपका नंबर 4 पे है आपका झनक, जिसका रिच है 3.4, जिसका रिच पहले से कम हुआ है, या तो स्टार प्लस या फिर मेकर्स की तरफ से प्रमोशन वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, और इसीलिए शायद टीआरपी भी गिरा है। नंबर 5 की पोजीशन पे है आपका प्यारा सा अंजलि अवस्थी एडवोकेट, जिसका रिच है 3.3, जिसका रिच बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी टीआरपी नहीं है, मैक्सिमम इसकी टीआरपी 2.3 होना चाहिए जिस हिसाब से इसका रिच है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन जिस हिसाब से कम है उसके हिसाब से। फिर आता है आपका उड़ने की आशा, जिसका रिच 3.3 है और टीआरपी 2.1 है, मैक्सिमम 2.2 2.3 तक इसको टीआरपी देना चाहिए, इसका भी जो है कहीं ना कहीं टीआरपी कम है रिच के अकॉर्डिंग। फिर आता है गुम है किसी के प्यार में 3.2, जिसकी टीआरपी है 2.1, जिसकी टीआरपी काफ़ी कम चल रही है अकॉर्डिंग टू रिच के, इससे ज़्यादा ड्यूरेशन भी दिया जाता है, उसके बावजूद इसका रिच भी अच्छा है, उसके हिसाब से इसकी टीआरपी वो कमाल नहीं कर पा रही है। फिर आता है आपका लाफ्टर शेफ, 3.2 है, इस लाफ्टर शेफ पे जितना रिच गया है उसके अकॉर्डिंग टीआरपी नहीं है, इसीलिए लाफ्टर शेफ शायद बंद हो रहा है, नई कहानी के साथ दिसंबर में लौटेगा, इसीलिए जो है लाफ्टर शेफ की कम से कम टीआरपी 2.1 2.2 होनी चाहिए। फिर आता है आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसका रिच है 3.1, जिसकी टीआरपी है 1.9, अकॉर्डिंग टू रिच के टीआरपी 2.2 तक होनी चाहिए, उसमें भी तारक मेहता जो है टॉप 5 में जगह नहीं है, स्लॉट किंग नहीं है, सब टीवी का नंबर 1 शो बना हुआ है ये कह सकते हैं। फिर आता है आपका मंगल लक्ष्मी, जिसका रिच है 2.8 के अकॉर्डिंग इसकी टीआरपी 1.9 होनी चाहिए, 1.9 होनी चाहिए। ऐसे में जो है उसके अकॉर्डिंग मंगल लक्ष्मी पे रिच ज़्यादा जा रहा है और टीआरपी 1.7 है, तो ऐसे में 1.9 तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं जिनका रिच कम है और टीआरपी बहुत अच्छी है, ऐसे बहुत कम शो देखे जाते हैं जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है मेकर्स की तरफ से, चैनल्स की तरफ से उन पे रिच नहीं पहुंच रहा है, उसके बावजूद वो टीआरपी बहुत अच्छी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ जो है नंबर 1 पे है आपका परिणीति, जिसकी रिच है 2.5 और टीआरपी है 1.7, सबसे अच्छा रिच BRC टीआरपी में आपका जो है इसी का है।
और सबसे बेकार रीच है इंडिया बैस डांसर का, जिसका रीच 2.8 के आसपास है और जो है TRP 0.9 है। जिस पे रिच बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है, प्रमोशन हो रहा है सब, लेकिन उसका रिच बहुत ज़्यादा आपका कम है। बाकी अगर आपको किसी और शो का रिच और अकॉर्डिंग टू TRP पूछना है कितनी होनी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।